नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके न्यूज पॉइंट पर। और मैं हूँ आपके साथ आपकी मेजबान प्रियंका चौधरी। मेरे साथ आज मेरी सहयोगी श्रेया डोगरा। और श्रेया आज बातचीत करने के लिए आई है यूएई की तरफ से पहलगाम और गुलमर्ग में। ये बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, बिकॉज इन दोनों जगहों में वो पोटेंशियल है। क्या कुछ और अपडेट निकलकर सामने आ रहा है श्रेया, जरा बताइए। जी प्रियंका, जिस तरह से कश्मीर को बताया जाता है कि जन्नत है और काफी ज्यादा खूबसूरत है हमारा कश्मीर, तो उसी के बीच जो है, अगर गुलमर्ग और पहलगाम की बात करें तो काफी ज्यादा टूरिस्ट जो है वहां पर हर साल आते हैं। जब सर्दियों की बात करें, जब वहां पर बर्फ पड़ती है तो काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। और उसी के बीच जो है, अब जो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगातार बाहर से कई लोग जो आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसमें जो है बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि अब जो है यूए की कुछ इन्वेस्टर जो है वो जम्मू कश्मीर आए हैं। उन्होंने रविवार को आए थे और उन्होंने दौरा किया है 3 दिन पूरा पहलगाम और गुलमर्ग का पहलगाम और गुलमर्ग का। और जहाँ पे जी उन्होंने काफी ज्यादा, उन्हें सही लग रहा है कि ये दो जगह पे है जहाँ वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा टूरिस्ट जो है वहां पे आते हैं। बिल्कुल श्रेया, यहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मैक्सिमम 70,000 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट जो है यूएई के जो 34 मेंबर्स का एक जो डेलीगेशन आया है, और वो लोग चाहते हैं कि हर एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो। दो साइड तो उन्होंने चूज कर ली हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि 70 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट होगा ही होगा, जम्मू कश्मीर में भी रोजगार के चांसेस जो हैं वो अपलिफ्ट हो सकते हैं? बिल्कुल प्रियंका, रोजगार भी यहाँ पे बढ़ेगा। जहाँ पे 70 करोड़ की बात करें तो काफी बड़ा अमाउंट है। और किस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर को डेवलप करने के लिए काफी ज्यादा कोशिश जो है अब सरकार कर रही है। इसी बीच जो है, ये भी एक बहुत बड़ी एक अच्छा जो है पहल है कि हमारे जम्मू कश्मीर को डेवलप किया जाए और हमारे रोजगार के भी काफी ज्यादा चांसेस है। जिस तरह से अगर और ज्यादा चीजें जम्मू कश्मीर में बनाई जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है जम्मू कश्मीर में, उसे भी वो भी कम होगी, लोगों को रोजगार भी जो है मिलेगा। और काफी अच्छी पहल जो है जम्मू कश्मीर के लिए हो रही है इस वक्त। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ व्यूअर्स जुड़े हैं। ब्रांड वॉर एक हमारे दर्शक हैं, वो हेलो और हालचाल पूछ रहे हैं, आप कैसे हैं? और भी तमाम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं श्रेया, और थैंक यू सो मच इस इन्फॉर्मेशन को हमारे साथ भी शेयर करने के लिए और ऑडियंस के साथ भी शेयर करने के लिए। क्योंकि अगर देखा जाए 70,000 करोड़ रुपए, इट्स अ हैवी अमाउंट। और अगर ये इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में होती है तो जैसे श्रेया ने भी बताया कि रोजगार के चांसेस खुलेंगे, और रोजगार ही नहीं, जो एक लोगों को ब्रेन ड्रेन हो रहा है या फिर स्किल्स उनकी एनहेंस नहीं हो पा रही है, उनके लिए भी लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म होगा सो दैट वो अपना हर एक टैलेंट जो है वो उभर कर सामने रख सकें। बहरहाल आज के इस अपडेट में इतना बिल्कुल ही, ऐसी कुछ और दिलचस्प अपडेट लेकर मैं और श्रेया आपके समक्ष आते रहेंगे। हम दोनों को इजाजत दीजिए और बने रहिएगा न्यूज पॉइंट के साथ। धन्यवाद।